आइडियल इंडिया टीवी, हर खबर बेफिकर। सब्सक्राइब नाउ। सपा नेता आजम खां भले ही कुछ दिन पूर्व अदालत के द्वारा दी गई जमानत पर बाहर आ गए हों, लेकिन यूपी सरकार के निर्देश पर उनके द्वारा बनाई गई जौहर यूनिवर्सिटी की अवैध गैर कानूनी रूप से अर्जित की गई भूमि और संपत्ति पर हो रही जांच और तेज हो गई है। आजम खां की मुश्किलें अभी कम होती नजर नहीं आ रही। आज शासन के निर्देश पर आजम खां की जौहर यूनिवर्सिटी में शत्रु संपत्ति अभिरक्षण विभाग की टीम जांच करने के लिए पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंची। यूनिवर्सिटी पहुंची टीम ने कैंपस के अंदर बड़ी बारीकी से दस्तावेजों के साथ विधिवत जांच की और टीम ने भू अभिलेख के साथ साथ यूनिवर्सिटी के निर्माण और बिल्डिंग का भी जायजा लिया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद लगभग 250 बीघे शत्रु संपत्ति को राजस्व टीम द्वारा पहले ही कब्जे में ले लिया गया है। इसमें जौहर यूनिवर्सिटी की दो बिल्डिंग्स भी शामिल हैं। फिलहाल अभी आजम खां द्वारा सपा सरकार के समय से बनाई जा रही जौहर यूनिवर्सिटी में अदालत के निर्देश पर हो रही जांच में कई सबूत और अहम सुराग मिले हैं। फिलहाल अभी जांच जारी है। आने वाले समय में साफ हो पाएगा कि जौहर यूनिवर्सिटी बनाने में अपनी सपा सरकार के दौरान आजम खान ने कितनी अनियमितताएं की हैं। आइडियल इंडिया टीवी के लिए जितेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। आइडियल इंडिया टीवी, हर खबर बेफिकर। सब्सक्राइब नाउ।